back to another video और आपका आज वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है The Real Horror Story When Police Encountered a Ghost, Veronica Steady IQ IAS। आज ऐसे काफी डिफरेंट वीडियो हम देखने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं भाई क्या है ये स्टोरी। लेकिन उससे पहले वीडियो का चैनल ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लिए लोही चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज की जो कहानी है, आज का जो केस है, वो थोड़ा अलग है और यूं कहें कि आप में से बहुत लोगों को वो अजीब भी लग सकता है। आज का जो केस है वो इस तरह का है कि आत्माएं और जो साये होते हैं ये अक्सर वहम माना जाता है। कई सारे लोग आप में से भी इसे वहम मानते होंगे क्योंकि इनका प्रमाण या प्रूफ कोई मिल नहीं पाता है। मैं बिल्कुल ही, लेकिन ये आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं ये वो पहला ऐसा केस है जो ऑफिशियली दर्ज किया गया। पुलिस के रिकॉर्ड्स में इसको दर्ज किया गया और पुलिस ने भी ये माना कि उस घर में कुछ ना कुछ तो था। मैड्रिड में, स्पेन के मैड्रिड में, जो मैड्रिड की पुलिस फाइल्स हैं उसमें आज भी इस केस के आगे अनएक्सप्लेन लिखा हुआ है। ये बताया गया है कि इसका कंक्लूजन, इसका कोई रिजल्ट, इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाई पुलिस। और साथ ही ये एक ऐसी घटना है जिसके ऊपर जो फिल्म बनी है वेरोनिका, नेटफ्लिक्स के ऊपर एक फिल्म है वेरोनिका, जो इसी से प्रेरित होकर जो फिल्म बनी है, उस फिल्म के बारे में बताया जाता है कि उसको लोग पूरा देख नहीं पाते। मतलब उसमें डर लगना स्वाभाविक है लेकिन उसको भी लोग पूरा उसको देख नहीं पाते हैं, सबसे डरावनी फिल्म मानी जाती है। और साथ ही ये जो केस है इसे वेलेकस फाइल्स के नाम से, वेलेकस केस के नाम से जाना जाता है। ये जो केस है दोस्तों, इसको मान्यता इसलिए ज़्यादा, इसको माना इसलिए जाता है कि ये सही केस था, ऐसा कुछ था वहाँ पे, क्योंकि इसके जो विटनेस थे वो बहुत सारे थे। और उसमें सिर्फ उस घर के लोग नहीं, वो फैमिली नहीं, उसके दोस्त नहीं, या जो नेबर्स थे, जो पड़ोसी थे, वो लोग नहीं, इसमें जो नेशनल पुलिस ऑफिसर्स थे मैड्रिड के, उनकी पूरी टीम, उसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स जो इसमें थे, और साथ ही जो स्यूडो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो लोग, जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किए तो वहाँ पे उन्होंने भी सब कुछ चीज़ें वही सारी पाई हैं जो उस घर में उन लोगों ने देखा था। तो उस तरह से ये केस बहुत बड़ा बन जाता है। और इसके बाद में आपको ये केस इसलिए बताया जा रहा है सिर्फ क्योंकि ये पहला ऐसा केस है जो पुलिस फाइल के रिकॉर्ड्स में दर्ज है। शुरुआत करते हैं, कहानी है स्पेन के मैड्रिड की, साउथ मैड्रिड के वेलेकस, एक जगह है वहाँ पे, वेलेकस के लुइस मराइन स्ट्रीट में एक अपार्टमेंट हुआ करता था, अभी भी है वो अपार्टमेंट वहाँ पे। इस अपार्टमेंट के पोर्टल नंबर 8 में एक परिवार रहता था और ये परिवार था कंसेप्शन गुटरेज और मैक्सिमा गुटरेज। अपने 3 बच्चों के साथ यहाँ पे इस घर में रहते थे। अब ये होता क्या है कि इनकी जो बड़ी बेटी थी उसका नाम था स्टेफिना लुजारो। अब स्टेफिना अपने 2 छोटे भाई बहन के साथ में, एक छोटा भाई था एक बहन थी, ये लोग यहाँ पे रहते थे। स्टेफिना जो थी उसका जन्म हुआ था 1973 में, और बताया जाता है कि जब तक ये उस घर में रहते थे, करीबन 1973 से 1990 तक, 1990 तक सब कुछ सही चल रहा था घर में, ये लोग अच्छे से रहते थे। इस घर को इन्होंने जब लिया था, इसके बाद में यहाँ पे पूरा एक परिवार जिस तरह से रहता है वहाँ पे रहते थे। स्टेफिना के बारे में बताया जाता है कि वो भी बहुत बात मानने वाली माँ बाप की, उसके बाद पढ़ाई में उसका मन अच्छा लगता था, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो एक बहुत ही अच्छा परिवार था, अपने भाई बहनों से छोटे बहुत प्यार करती थी। लेकिन इसके बाद करीब 1990 में जब स्टेफिना 18 साल की होती है तो ये यहाँ पे इसका कॉलेज जाना स्टार्ट होता है। स्टेफिना का कॉलेज जाना स्टार्ट हुआ और इसी के साथ एक दिन क्या होता है 1990 में कि इसका जो बर्ताव था, जो बिहेवियर था, वो अचानक से बदलने लगा। स्टेफिना का बर्ताव बदलता है, रात को ये अचानक से उठ उठ के अजीब सी आवाज़ें निकालना शुरू कर देती है। जो इनके घर की जो वॉल्स थी, जो दीवारें थी, वो वुडन की थी, तो उस लकड़ी की दीवारों पर नाखूनों से अपने खरोचना, ये सब करने लगती है। और इसके बाद में एक दिन क्या होता है कि अपना जो इसका जो छोटा भाई था मैक्सी, तो मैक्सी के ऊपर इसने हमला कर दिया आधी रात को। अब ये सब चीज़ें जब घर वालों ने देखी तो वो परेशान हो गए, उन्होंने स्टेफिना से बातचीत की कि ऐसा क्यों कर रही हो, क्या हो रहा है। तो उसने बताया, और स्टेफिना ने ये बताया कि उसे नहीं पता कि ऐसा वो क्यों करती है और कब करती है, लेकिन रात में अचानक से उसको उसी के कमरे के अंदर एक बहुत लंबे से, बहुत ही लंबी आकृति के काले साए दिखते हैं जिनके फीचर्स नहीं है, जिनके फेशियल फीचर्स नहीं है, लेकिन वो काले साए उसको रात में जैसे दिखना शुरू होते हैं उसके बाद वो ये सब हरकतें करना शुरू कर देती है। तो ये सब जब चीज़ें घर वालों को बताई तो घर वाले नर्वस हो गए, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इसी के बाद घर वालों ने स्टेफिना से और
इसके बारे में बातचीत की। तो और जब उन्होंने ये सब देखा तो उन्हें ये समझ में आया कि स्टेफना की ये जो कुछ दिनों से जो उसकी हेल्थ है, जो उसका स्वास्थ्य है, वो भी गिरता जा रहा है लगातार। वो पतली होती जा रही है, उसकी हेल्थ बिल्कुल खराब होती जा रही थी। अब स्टेफना अगले दिन जब कॉलेज जाती है तो इसके जो पेरेंट्स थे उन दोनों ने इसके रूम की इन्वेस्टिगेशन की, मतलब थोड़ा सा उसमें छानबीन की, देखा कि रूम के अंदर क्या है ऐसा। तो वहाँ से उन्हें कुछ किताबें मिलती हैं और ये किताबें थीं जिसमें कुछ किताबें थीं जो तंत्र मंत्र की किताबें थीं और कुछ थीं भूतों से, आत्माओं से रिलेटेड, कि कैसे बुलाया जाता है आत्माओं को और ये कौन सी दुनिया होती है इनकी, आत्माओं की और भूतों की। इस तरह की किताबें वहाँ से मिलती हैं। माँ बाप ने ये सारी किताबें और ये जो भी सामान मिला था इसको रूम से हटा दिया। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि इसके बाद स्टेफना ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्टेफना अगले दिन फिर से यही सब चीज़ें रात को चिल्लाने लगी, दीवारों को नोचने लगी और अजीब अजीब सी हरकतें करती थी, अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थीं उसके रूम से। इसके बाद इन लोगों ने, जो माँ बाप थे, उन्होंने क्योंकि कैथोलिक रिलीजन से थे तो उन्होंने प्रीस्ट के पास, जो फादर होते हैं चर्च के, उनके पास भी वो लोग गए। अब फादर ने भी यहाँ पे जो भी स्टेफना को जो झाड़ा है उसको सही किया है, लेकिन वहाँ से उसका भी कोई रिजल्ट निकल के सामने नहीं आता, वो तब भी ठीक नहीं होती। फिर ये लोग मेडिकल, इन्होंने हेल्प ली, ये एक डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे उसके तमाम सारे टेस्ट कराए गए, लेकिन इन टेस्ट की भी जितनी रिपोर्ट्स थी, डॉक्टर ने ये बताया कि ये मेंटली भी और फिजिकली भी दोनों तरह से फिट है। लेकिन जब डॉक्टर यहाँ पे ये रिपोर्ट्स में बता रहा था कि ये फिट है, उसकी जो उसका जो स्वास्थ्य था, जो उसकी हेल्थ थी, वो लगातार दिन पे दिन गिरती जा रही थी, रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ आ नहीं रहा था। तो यही सब देखते हुए स्टेफना के घर वालों ने उसे हॉस्पिटल में वेलेकस के ही वहाँ पे एडमिट कर दिया कुछ दिन के लिए, और रोज़ हर दिन उससे मिलने भी जाते थे। लगातार ये लोग उससे मिलने जाते थे। ये करीबन जुलाई की बात है, जुलाई का महीना था 1990 में, ये उससे लगातार मिलने भी जा रहे थे, लेकिन कोई वहाँ पे भी समझ नहीं पा रहा था कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसकी जो हेल्थ गिर रही है, जो ये तबीयत इसकी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, दिन पे दिन वज़न घटता जा रहा है, ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। इसी के साथ हुआ क्या अचानक से एक दिन कि करीबन 14 जुलाई को इसको, स्टेफना को हॉस्पिटल में एडमिट किया, और करीब 3 से 4 दिन बाद ही उसी हफ्ते में सुबह के समय अचानक से स्टेफना की मौत हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर ही। अब जब यहाँ पे स्टेफना की मौत हुई, जो डॉक्टर्स वहाँ पे थे उस समय, डॉक्टर एक जो वेलेकस हॉस्पिटल में थे, पेड्रो कबेजा और जॉर्जियो अरुआ, इन दोनों का कहना था कि इन्होंने जब पूरा उसका ट्रीटमेंट चल रहा था उस बीच कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं थी कि उसके ऊपर या उसको कोई बीमारी है या कुछ भी इस तरह का है, कोई भी चीज़ ऐसी यहाँ पे सामने नहीं आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पे इन लोगों ने जब उसकी डेथ हो गई, उसके बाद में उसके जो इंटरनल कुछ सैंपल्स थे ऑर्गन्स के, उनकी टेस्टिंग की, उनको एनालिसिस किया, तो उसकी रिपोर्ट में भी यहाँ पे कुछ सामने निकल के नहीं आता है। और इसी के बाद जब बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, ब्लड सैंपल्स लिए गए, पोस्टमार्टम पर जब बॉडी गई तो वहाँ से रिपोर्ट में निकल के आया कि एस्फिक्सिया की वजह से इसकी मौत हुई है। एस्फिक्सिया मतलब अचानक से दम घुटने से इसकी मौत हो गई है। ये सबके लिए एक चौंकाने वाली बात थी क्योंकि रिपोर्ट्स में कुछ सामने आ नहीं रहा था, और अचानक से ये जो मिस्टीरियसली इसकी डेथ हुई थी स्टेफना की, ये लोग इससे चौंक चुके थे। अब घर परिवार पूरा सदमे में था क्योंकि जवान लड़की थी, करीबन 18 साल की उम्र थी 1990 में जब उसकी डेथ हुई है। तो घर वालों ने कैथोलिक रिचुअल्स के हिसाब से स्टेफना की जो बॉडी थी उसको दफना दिया। इसके बाद में, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो जो उसका घर था, जो उसका रूम था स्टेफना का अपने घर में, उस रूम में जितनी उसकी चीज़ें थी, उसके पेरेंट्स ने उसको उन चीज़ों को वैसा का वैसा रखा रहने दिया, कहीं भी उनको हिलाया नहीं गया चीज़ों को। उसकी वहाँ पे फ़ोटो थी, उसके बाकी सामान थे और जो बुक्स वगैरह थी वो सब बस वहाँ से हटा दी गई थी। तो ये सब चीज़ें उसको एग्जैक्टली वैसा का वैसा रख के, स्टेफना की जो माँ थी उन्होंने उस रूम को क्लीन करके, पूरा साफ करने के बाद में उसमें लॉक लगा के छोड़ दिया। अब कुछ दिन तक इस रूम में लॉक रहता है और ये जो चीज़ें थी ये सब बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। नॉर्मली ये सब कुछ दिन बीतते हैं, कुछ हफ्ते बीतते हैं, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होने वाला था जो इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप में से जो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और IAS बनना आपका लक्ष्य है, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना आपका लक्ष्य है, तो यहाँ पे भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म UPSC का, CSE की तैयारी का StudyIQ आपके लेकर आया एक प्रोग्राम, P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इस प्रोग्राम का नाम है। यहाँ पे आपको दो बैचेस मिल जाते हैं, मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच। इन दोनों बैचेस में से आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एक बैच सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे जो नीचे आपको कोड दिख रहा है BJLIVE, इस कोड को लगाते ही यहाँ पे आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलता है। जो 65,000 का कोर्स है वो आपको 30,000 रुपये मिल जाता है।
29,999 में आपको 65,000 का कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा इस डिस्काउंट को लगाते ही, इस कोड को लगाते ही। तो साथ ही यहाँ पे आप अपना एक बहुत बड़ा स्टेप तो लेंगे ही अपनी तैयारी को मजबूत करने में, उसी के साथ आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी इस कोड को लगाइए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। अब यहाँ पे स्टेफना की डेथ के बाद में जो उसका रूम था, उसकी माँ ने उसको रूम को क्लीन करके साफ करके उसे लॉक कर दिया कुछ दिन के लिए। लेकिन इसके बाद में स्टेफना की मौत के बाद चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ने लगी। हालात ये हुए कि घर के अंदर से, स्टेफना के रूम के अंदर से अजीब अजीब सी चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें आती थी बाथरूम से, बालकनी से, उसके रूम से। इसी के साथ यहाँ पे हुआ क्या कि वो जो रूम था, जब ये लोग रूम में जाके अगले दिन देखते हैं माँ बाप, तो वहाँ पे उस रूम के अंदर जो वॉल्स थी उन पे दोबारा से निशान थे खरोंचने के उन दीवारों को, और ऐसा दिख रहा था उसमें साफ कि ये फ्रेश मार्क्स हैं। मतलब ये अभी हाल ही में, एक रात पहले ही, एक दिन पहले ही, ये हाल ही के मार्क्स हैं ऐसे खुरेचे हुए दीवारों को, ये सब वहाँ पे दिखता है। इसके साथ ही ये उन्होंने यहाँ पे महसूस किया उस रूम के अंदर कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं अचानक से सिर्फ उस रूम के अंदर चल रही थी, क्योंकि जब बाहर उन्होंने अपने बाकी घर का टेम्परेचर देखा तो वो नॉर्मल था, लेकिन उस रूम के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं। और उसके बाद जब खिड़कियों खोल के बाहर देखा तो बाहर भी ऐसी कोई हवा नहीं थी। ये सब चीज़ें वहाँ पे देखते हैं। इसके साथ इन्होंने डिसीजन लिया कि इस रूम को यहाँ पे लॉक कर दिया जाए। रूम को लॉक किया, लेकिन अगले दिन रात में फिर से वही सब आवाज़ें आने लगी। और जब सुबह उठ के जाके उस रूम की तरफ देखा तो वहाँ पे वो जो लॉक किया दरवाज़ा था वो भी खुला हुआ था। ये सब चीज़ें जब देखी इन्होंने लगातार, तो माँ बाप ने डिसीजन लिया कि इस बात के बारे में किसी से शेयर तो किया जाए, किसी को बताया तो जाए कि हमारे साथ में हो क्या रहा है। तो उन्होंने अपने जो, क्योंकि अपार्टमेंट में रहते थे तो आसपास के जो उनके पड़ोसी थे उनको बताने का डिसीजन लिया। अब पड़ोसियों को यहाँ पे पहले बताने से ये भी सोचा कि ये लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें। लेकिन जब पड़ोसियों को बताया गया तो उन्होंने, पड़ोसियों ने खुद ये बताया कि रात को हमें भी ऐसी कुछ आवाज़ें आपके घर से सुनाई देती आती हुई, और स्टेफना के रूम के पास में जिन पड़ोसियों का घर था उनको और ज़्यादा आवाज़ें इस तरह की सुनाई देती थी। इसके बाद करीबन उसी रात को जब जो पड़ोसी थे वो भी उस घर में इनके साथ में रुकते हैं, तो रात को सेम वही सारी चीज़ें, ठंडी हवाएं चलना उस रूम के अंदर, उसके बाद में वहाँ से चीज़ें गिरना, और चीज़ें, पूरा जो रूम था वो इधर से उधर हो चुका था। मतलब ये मान लीजिए कि ऐसा लगता था जैसे कोई उस रूम में रह रहा है, कोई वहाँ पे है जो चीज़ों को यहाँ से वहाँ फेंक रहा है। फ़ोटोज़ गिर जाती थी, उसके बाद जो चीज़ें रखी थी वो इधर से उधर पहुँच जाती थी। तो ये सब चीज़ें उन पड़ोसियों ने भी वहाँ पे देखी। हुआ क्या इसके बाद एक दिन, क्योंकि ये टाइम निकलता जा रहा था इसी तरह से, तो अब जब स्कूल में भी पता चला कि स्टेफना की मौत के बाद में और ये सब चीज़ें इस तरह की उसके घर में हो रही हैं, तो यहाँ से स्कूल की तीन टीचर्स यहाँ पे आती हैं स्टेफना के घर पे उसके पेरेंट्स से मिलने। इन तीन टीचर्स में एक नन भी थी जो उसी स्कूल की थी। तो अब यहाँ पे ये लोग जब आए तो इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई स्टेफना के पेरेंट्स को जिससे वो बहुत ज़्यादा सदमे में आ चुके थे। उनको समझ में आ गया था कि क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं उनके घर में। उस टीचर ने बताया यहाँ पे कि स्टेफना अपने, उसकी एक बहुत क्लोज दोस्त है स्कूल में जो उसकी दोस्त हुआ करती थी, तो उस दोस्त के साथ में क्या था, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, कि उसका, उस दोस्त का एक बॉयफ्रेंड था और उस बॉयफ्रेंड की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी कुछ ही टाइम पहले। और इसके बाद यहाँ पे वो जो दोस्त थी स्टेफना की वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। तो एक दिन उस टीचर ने ये देखा था कि स्टेफना उस लड़की के साथ में जिसका बॉयफ्रेंड एक्सपायर हुआ था, जिसकी डेथ हुई थी उस कार रोड एक्सीडेंट में, उसके साथ में और दो और लड़कियों के साथ में स्कूल के बैक साइड में जाके बैठी है, और ये चारों के चारों बैठे हैं चौकोर एक घेरा बना के, और इनके बीच में रखा है एक वुडन बॉक्स, एक लकड़ी का बॉक्स, और उस लकड़ी के बॉक्स के ऊपर एक ग्लास रखा हुआ है कांच का। तो यहाँ पे जब टीचर ने देखा, और ये लोग कुछ ना कुछ उससे इशारे कर रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसे ये जो बॉक्स होता है इसको खैर ओइजा बोर्ड कहा जाता है, और ये बताया जाता है कि ओइजा बोर्ड्स की मदद से ये जो आत्माएं और साए होते हैं इनको बुलाया जाता है, इस तरह की बातें आती हैं। तो ये वो ओइजा बोर्ड के ऊपर अपना पूरा प्रैक्टिस कर रहे थे इस तरह की। यहाँ पे जब टीचर ने ये देखा तो अचानक से उनको, इन लड़कियों को वहाँ पे डांटती हैं और वहाँ से उस बोर्ड को उठा के साइड में फेंक देती हैं। जैसे ही टीचर ने ये बोर्ड फेंका था तो ये खुद उस स्टेफना के स्कूल की टीचर का कहना था कि जब उसने बोर्ड फेंका तो उस ग्लास के अंदर से, वो जो ऊपर रखा हुआ था, उसमें से एक सफ़ेद रंग का एक शेडो टाइप की निकली है, एक सफ़ेद कलर का धुआं निकल के स्टेफना के बॉडी के अंदर एंटर कर गया उसके नाक और उसके मुँह से। ये यहाँ पे जब चीज़ सामने आई, और इसी के बाद ये आप देखिए कि ये स्टेफना से जब इन्होंने ये पूछा है इस चीज़ के बाद में टीचर्स ने कि ये जो तुम लोग ये जो कर रहे थे क्या कर रहे थे, तो यहाँ पे स्टेफना
के दोस्तों ने बताया कि स्टेपना ने उन्हें ये बताया था कि वो भूतों को बुला सकती है और आत्माओं से बातें कर सकती है, और वो इस तरह की बुक्स भी पढ़ती थी, वो बुक्स में से पढ़ पढ़ के ये सब चीज़ें करती थी। तो टीचर ने जब ये सब सुना, इन लोगों को डांट के वहाँ से भगा दिया। लेकिन आप ये देखिए कि ये करीबन 7-8 महीने पहले की बात है, स्टेफना की जब मौत हुई है उससे, ये 1990 की ही बात है और जुलाई में इसकी यहाँ पे मौत हुई है मैड्रिड में। तो यहाँ पे अब ये जब चीज़ें सामने आती हैं तो पेरेंट्स को ये समझ में आ गया था, स्टेफना के माँ बाप को, कि ये चीज़ें उसी टाइम से शुरू हुई हैं, क्योंकि इसी के बाद उसका जो बिहेवियर था वो भी बदलाव उसमें होने लगा था और वो चेंज होने लगा था। अब ये यहाँ से जब टीचर्स गए उनके घर से, इसके बाद करीबन 1993, ये करीब 2 साल बाद की बात है, जब 1992 फर्स्ट नवंबर की ये बात है, जब स्टेफना के माँ बाप उस रूम में एक बार फिर से जाते हैं स्टेफना के, और इस बार जो उनके सामने हुआ वो बहुत ज़्यादा चौंका देने वाला था। हुआ ये कि जैसे ही ये लोग उस रूम में गए शाम के समय, उस रूम में जो जीसस की जो फोटो लगी थी, जीसस की फोटो अचानक से उल्टी होके गिर गई, वॉल से वो उल्टा फोटो उल्टी होती है और नीचे गिर जाती है। इसी के साथ में स्टेफना का जो एक फोटो था वो नीचे गिरता है। अब जब वो फोटो नीचे गिरा, स्टेफना का जो एक फोटो, आपको आप सर्च करेंगे तो भी आपको फोटो दिख जाएगा। तो वो जो फोटो जब नीचे गिरा, तो स्टेफना की मॉम ने, जो उसकी माँ थी, उन्होंने उस फोटो को नीचे से उठा के जैसे ऊपर रखा, वो फोटो फिर से नीचे गिर जाता है। और फिर जब उसके जो फादर वहाँ पे थे, उन्होंने जब उसको फोटो को उठाया है, तो उनके हाथ से अचानक से वो फोटो छूट गया। और जैसे ही वो फोटो छूटता है, तो उस फ्रेम के अंदर आप अगर देखेंगे सर्च करके, तो उस फ्रेम के अंदर वहाँ पे सिर्फ उस फोटो में जो स्टेफना का जो फेस है उसमें आग लगना शुरू हो जाती है। वो फोटो सिर्फ वो फेस से जला हुआ है, आसपास का उसका फ्रेम भी सेम वैसा ही है, फ्रेम में आग नहीं लगी, आसपास आग नहीं लगी, सिर्फ जो उसका फेस था उस फोटो के अंदर स्टेफना का, सिर्फ उसमें आग लग रही है। बाद में उसको बुझाया गया। और ये जो बात हुई थी, इसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो अब फैमिली ने ये सोचा यहाँ पे कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा वियर्ड है, बहुत ज़्यादा अजीब है ये जो हो रहा है हमारे घर में, और इस रूम को बंद करना पड़ेगा। तो इसी के लिए उसी दिन स्टेफना की जो माँ थी, उन्होंने प्लम्बर को बुलाया और इस जो पूरा रूम था, इसके गेट को पूरी तरह से लॉक करवा दिया, और साथ ही उसके गेट के बाहर बहुत सारा फर्नीचर सामान ऐसा रख दिया भारी, जिससे वो गेट कभी वो खोल ही ना पाए, अगर अंदर से कोई खोलना चाहे तो। लेकिन जैसे ही जिस दिन इन्होंने ये किया था, उस रात को जो आवाज़ें थी और जो अंदर से शोर था, वो पिछली दिनों के, पिछली रातों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा था। इस बार बहुत ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा लाउड आवाज़ें आने लगी अंदर से, और ज़्यादा सामान फेंकने की, इधर उधर चीज़ों की आवाज़ आने लगी। और अगले दिन सुबह जब देखा, तो वो जो पूरा प्लम्बर का लॉक किया हुआ गेट था, वो अचानक से वो उनको सुबह खुला हुआ दिखता है। वो सामान जो था वो सब इधर उधर फेंक चुका था, और उसके बाद वो गेट भी खुला हुआ मिलता है। अब जब ये चीज़ होती है, तो ये पेरेंट्स ये सोच चुके थे स्टेफना के, कि अपने दोनों जो बच्चे, उनके जो बच्चे हुए, उन दोनों को लेकर यहाँ से चले जाएंगे, इस घर से शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये सोचा था, ये अगले दिन की बात है, उसी दिन रात को स्टेफना की जो माँ थी, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि रात में सोते समय उनके ऊपर कोई बैठ के उनका गला दबा रहा है। और उन्होंने कोशिश की उसको हटाने की, जो भी वो चीज़ थी, लेकिन वो उसमें उनको ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें मारना चाहता है, कोई उनका गला दबा रहा है। ये सब चीज़ें जब होती हैं, तो करीबन ये 26 नवंबर 1992 आ चुका था, 1992 26 नवंबर की ये बात है, जब इन लोगों ने पुलिस को बताने का डिसीजन लिया कि ये चीज़ें सारी पुलिस को बताई जाएं। और इसी के तहत वेलेकस पुलिस चीफ को, मुराटा लाज, उस समय वेलेकस के पुलिस चीफ थे, उनके पास एक कॉल जाता है स्टेफना के पेरेंट्स के पास से। और इस कॉल पे उन्होंने ये बताया था मुराटा लाज को, जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, कि लुइस मराइन स्ट्रीट के गली नंबर 8 में ये जो अपार्टमेंट है, यहाँ पे बहुत सी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पे जब ये चीज़ पुलिस के पास गई, तो पुलिस की एक टीम जिसमें इंस्पेक्टर जोस नेगरी थे और अपने 4 ऑफिसर्स के साथ में, इस अपार्टमेंट के बाहर पहुँचते हैं वेलेकस में। ये जब वहाँ पे बाहर पहुँचे, तो मंजर ये था कि जो पूरा परिवार था, दोनों माँ बाप और अपने बच्चों के साथ में, 2 बच्चों के साथ में, वो सबके सब बाहर खड़े हुए थे उस अपार्टमेंट से। उनका ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इस अपार्टमेंट में अब चले भी जाएं, अपने घर के अंदर भी घुस जाएं। तो ये लोग बाहर खड़े हुए थे। यहाँ पे जब जोस नेगरी, जो इंस्पेक्टर थे, वो पहुँचते हैं, तो उन्होंने अपनी जो 2 लोग थे कांस्टेबल, उनको इन जो फैमिली थी उसके साथ में रखा बाहर, और 2 और कांस्टेबल को, और खुद जो मिस्टर गुटरेस थे, जो स्टेफना के फादर थे, उनको लेकर इस घर के अंदर जाते हैं। अब ये जब यहाँ पे इस घर के अंदर गए,
तो यहाँ इन्होंने ये देखा कि पुलिस के सामने मास्टर बेडरूम में, जो जहाँ पे स्टेफना का जो रूम हुआ करता था, वहाँ पे चीज़ें अचानक से गिरती हुई उन्हें दिखती हैं। साथ ही कुछ अजीब सी आवाज़ें उन्हें आना शुरू होती हैं। ये आवाज़ें आ रही थी स्टेफना की जो रूम था उसकी बालकनी से। बालकनी में जाके जब कॉन्स्टेबल ने देखा वहाँ पे कुछ भी इस तरह का था नहीं। उसके बाद बाथरूम से आवाज़ें आने लगी, वहाँ पे जाके देखा वहाँ भी कुछ नहीं था। और साथ ही इन्होंने, पुलिस वालों ने वहाँ पे ये फील किया अचानक से कि बहुत ज़्यादा एक ठंडी हवा का जो झोंका था वो पूरे उस रूम के अंदर घूमने लगा। बहुत ज़्यादा ठंड उन्हें उस रूम के अंदर लगने लगी। और बाहर जब देखा उन्होंने बालकनी में, तो बाहर कुछ भी इस तरह की हवा नहीं थी। यहाँ से अब जो स्टेफना के पिता थे उन्होंने ये बताया इन लोगों को कि ये जो चीज़ें सारी होती हैं रात में ही होती हैं। और एक और नई चीज़ उन्होंने जो बताई वो ये थी कि जो उनका बेटा है मैक्सी, जो उसका रूम है उसमें दो बेड है, उसको हम रात को एक बेड पे सुलाते हैं लेकिन वो अगले दिन सुबह हमें दूसरे बेड पे मिलता है, और वो छोटा है, वो अभी ऐसा खुद से नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ वहाँ पे जब बताई तो पुलिस वालों को ये विश्वास नहीं हुआ। और साथ में स्टेफना के फादर ने ये भी बताया था कि ये जब इस तरह की चीज़ होती है तो वो ऐसा हवा में उछल के दूसरे बेड पर जाता है, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। पुलिस वालों ने इस बात पर बिलीव नहीं किया, विश्वास नहीं किया। तो पुलिस की उस टीम ने, खुद जोस नेगरी जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, उन्होंने वहाँ पर रुकने का डिसीजन लिया कि हम रात को यहीं पर इस फैमिली के साथ में रुकेंगे और खुद से देखेंगे। पुलिस के सामने रात में ये सेम चीज़ उस लड़के के रूम में होती है जो बच्चा था, कि वो अपने बेड पर सो रहा था और अचानक से वो दूसरे बेड पर उछल के गिर जाता है। इसी के साथ में जो जीसस की फोटो लगी थी उस लड़के के भी रूम में, वो भी उल्टी होकर गिर जाती है। साथ में स्टेफना के रूम से वहाँ से आवाज़ें आने लगी। उसके बाद उसके रूम में जाके देखा, वहाँ पे चीज़ें तहस नहस हो चुकी थी, यहाँ से वहाँ चीज़ें फेंकी जा रही थी, वो अपने आप यहाँ से वहाँ गिरी हुई थी। तो ये सब चीज़ें जब पुलिस ने देखी तो 27 नवंबर 1992 अगले ही दिन पुलिस ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई। और इस रिपोर्ट में पुलिस ने ये लिखा था साफ तौर पर कि ये जो सारे इंसिडेंट उन्होंने जो देखे कि चीज़ें यहाँ से वहाँ गिर रही थी, जब जाके देखा तो वहाँ पे कोई इस तरह का कुछ कोई भी था नहीं, फोटोज़ अपने आप नीचे गिर रहे हैं, उसके बाद जो बच्चा था वो एक बेड से दूसरे बेड पर गिर गया, ये पूरा अपनी जो चार्जशीट थी, जो अपना पूरा एक रिपोर्ट होती है पुलिस की, वो उसने वहाँ पे पूरी अपनी ऑफिशियली एक रिपोर्ट सबमिट की थी जोस नेगरी ने, जो पुलिस इंस्पेक्टर थे। अब यहाँ पे ये सब जब चीज़ें पुलिस ने खुद से देखी, इसके बाद ये रिपोर्ट जब सबमिट होती है तो ये मीडिया के अंदर आता है पूरा जो विषय था, ये पूरा इंसिडेंट था। और इसके बाद कई दिनों तक स्पेन का ये जो इंसिडेंट था इस पर बहुत सारे लोग इस पर इन्वेस्टिगेशन करते रहे। कई लोग वहाँ पे आए इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, वहाँ पे वीडियोस बनाने के लिए, ये सब चीज़ें लगातार चलती हैं, बहुत सारा इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ। लेकिन किसी भी इन्वेस्टिगेशन में बहुत से सीडो जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो आए, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स आए। उसके बाद जो स्पेन की जो मैड्रिड पुलिस थी उन्होंने अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये बता ही दिया था कि यहाँ पे कोई भी इस तरह की चीज़ हमें सामने नहीं आई है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो, मतलब जो इसका कॉज है वो अनएक्सपेक्टेड है, वो अनएक्सप्लेनेबल है, हम ये नहीं बता पाए हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें क्यों हो रही हैं इस घर के अंदर, इस रूम के अंदर। यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स आए उनमें से किसी ने भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया, इसका रीज़न जो था कि ये क्यों ऐसा हो रहा है ये नहीं निकाल पाया। और यहाँ पे कोई भी पुलिस ने ये साफ तौर पर बयान दिया कि कोई भी इस तरह की बात नहीं कही जा सकती कि यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग, कोई इंसान इस तरह की चीज़ इस इंसिडेंट के लिए कर रहा है, इस रूम में कर रहा है। तो यहाँ पे पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, साथ ही फैमिली को, जो माँ बाप थे स्टेफना के, उनको ये एडवाइस किया, उनको ये बोला कि आप यहाँ से शिफ्ट हो जाइए अब जल्दी से जल्दी, क्योंकि वो लोग पहले से शिफ्ट होना चाह ही रहे थे, तो वो लोग रेडी थे शिफ्ट होने के लिए। ये लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं, इस घर को छोड़ते हैं, और गनीमत ये है कि इसके बाद इस फैमिली के साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट दूसरी जगह पर नहीं होता है, कोई भी इस तरह की जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी वो होना बंद हो गई उस फैमिली के साथ दूसरे घर में। लेकिन उस घर के अंदर ये बताया जाता है कि वो घर शापित हो गया उसके बाद, उस घर के अंदर वो जो रूम था वहाँ पे ये सब चीज़ें लगातार चली आ रही थी, और वहाँ पे अब कोई रहता भी नहीं है। तो ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी, ये एक अकेला ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में स्पेन के मौजूद है, जो वहाँ पे ऑफिशियली रजिस्टर्ड है। और साथ ही इसके पूरे इस केस के ऊपर एक मूवी बनी है नेटफ्लिक्स की, वेरोनिका। इस मूवी के बारे में बताया जाता है कि जब लोग इस मूवी को देखते हैं तो पूरा देख नहीं पाते हैं। स्टार्टिंग में बहुत से लोग ऐसे थे जो जिनकी तबीयत खराब हुई इस मूवी को देख के, तो ये सब चीज़ें भी सामने आती हैं। तो एक इस तरह का केस जो पुलिस भी वहाँ पर उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई। और ये जो केस है इसे वेलकस केस के नाम से जाना जाता है, ये वेलकस केस के नाम से आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि यहाँ पर जो विटनेस थे
वो सिर्फ घर वाले नहीं थे, वो सिर्फ उनके नेबर्स, उनके पड़ोसी नहीं थे, इक्का दुक्का लोग नहीं थे, इसमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले लोग, खुद जो नेशनल पुलिस टीम थी पूरी, जोस नेगरी खुद एक बहुत ही सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर स्पेन के, वो वहाँ पे मौजूद थे, उन लोगों ने ये देखा था अपनी आंखों से। तो विटनेसेस के बहुत सारे थे, सबके सामने सारे इंसिडेंट जितने हुए थे जो बताए गए थे पेरेंट्स के द्वारा, वो सब रियल में हुए थे और इन लोगों ने अपनी आंखों से ये सब चीज़ें देखी थी। ये एक ऐसी सिचुएशन थी उस घर वालों के लिए, उन लोगों के लिए, कि जहाँ पे ये लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि अब ये करें क्या, इसका हो क्या सकता है। क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हम सबसे पहले प्रशासन के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं कि यहाँ से हो सकता है कुछ निवारण मिल जाए, कोई सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन जब सोचिए कि कोई ऐसी चीज़ हो रही हो जिसमें पुलिस वाले भी, जब उन्हें बताया जाए और वो भी यहाँ पे आके ये बता दें कि नहीं, ये अनएक्सप्लेनेबल है और ये इसका कोई भी हमारे पास में सबूत नहीं है, ये हम नहीं बता सकते हैं कि ये हो कैसे रहा है, और उसके बाद वो आपको कहें कि आप बेहतर होगा कि इस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाइए, तो ये बहुत बड़ा एक घटना थी उस पूरी परिवार के लिए। और ये आज तक की स्पेन की इतिहास की बताया जाता है कि इस तरह का ये पहला अपने आप में एक अकेला ऐसा केस है जो पुलिस के रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, जब पुलिस ने भी माना कि ये इसमें कोई इंसान का हाथ नहीं है और ये कोई साया या इस तरह की कोई आत्मा कर रही है। दोस्तों, ये था स्टेफना लराजो केस, वेलाकस केस के नाम से इसको जाना जाता है। और ये केस आपको बताना इसलिए ज़रूरी था, इसकी कहानी बतानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि ये अपने आप में एक अकेला ऐसा केस है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है, पुलिस ने जिस पे माना कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जो पैरानॉर्मल थी। तो ये केस इसलिए बताना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अपने आप में एक अकेला ऐसा केस है, और जो साए और आत्माओं वगैरह की जो बातें होती हैं इसको वहम माना जाता है, लेकिन ये जो केस है वो अलग से सामने निकल के आया, तो हमने सोचा कि आपको इसकी कहानी बताई जाए। ऐसे और भी एपिसोड, ऐसे और भी टॉपिक्स हम आपके लेकर आते रहेंगे, आप भी अपने जो टॉपिक्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही जो हमारी ये जो सीरीज़ है, इसके करीबन अब तक 40 करीबन एपिसोड हो चुके हैं, और ये इसकी जो प्लेलिस्ट है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस पूरी सीरीज़ में, इस पूरे हमारे एपिसोड्स में, हम आपको कई सारे ऐसी जो इंडिया के सेंसिटिव केसेज हैं, कॉन्स्परेसीज रही हैं, कुछ बड़े इवेंट्स रहे हैं, कुछ रॉ के, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के, हमारी आर्मी के जो ऑपरेशन हैं उनके बारे में कहानियाँ बताते हैं। तो ऐसी और भी कहानियाँ, ऐसे और भी टॉपिक्स हम आपके लेकर आते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप अपने टॉपिक्स हमें कमेंट्स में बता सकते हैं इस वीडियो के। तब तक लिए दीजिए रात, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। भाई स्टोरी सुन के ना दिल को कुछ कुछ हो रहा है। मैं वैसे इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि भाई चीज़ें जो हैं वो होती हैं, आपको बेशक नज़र नहीं आती लेकिन होती ज़रूर हैं, लेकिन वो अपनी एग्जिस्टेंस शो करती बिल्कुल है। अब अगर हम लोग ये कहें ना कि इंसानों की दुनिया में इन चीज़ों की एग्जिस्टेंस नहीं है, मैं ये चीज़ नहीं मानती, मुझे लगता है बिल्कुल है, क्योंकि समटाइम्स आप बहुत स्ट्रांगली उनकी प्रेजेंस को फील करते हो। कभी भी हाँ, मुझे मतलब उस तरह से नहीं, बट मुझे जब हम लोग पुराने घर में रहते थे ना, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा करता था कि जैसे अभी जैसे खड़े में पीछे से कोई गुजर के गया है। सो लिटरली आपको बड़ी स्ट्रांग वाइब आ जाती है। अब बहुत सारे लोग जो हैं मे बी देखने वाले, उनके साथ कभी ऐसा ना हुआ हो, बट हमारे घर में बहुत सारे लोगों को ये चीज़ फील होती है, लेकिन कभी किसी ने तंग नहीं किया था, ऐसे मैं बात बोलूँ कि ऐसा नहीं। और एक रूम था हमारे घर में जहाँ पर अक्सर लोग डर जाया करते थे, और आपको ये फील मतलब वो होता था कि लाइक शायद कुछ है। अब शुक्र है उस रूम में तो कभी मैं नहीं सोई, लेकिन मतलब ये है कि एक दो लोग उस रूम में जो है वो सोए भी हैं, तो उस वजह से उनको मतलब ये और ज़्यादा एक आप कह लो कि मतलब, लेकिन ये कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको कभी नुकसान पहुँचाएगी। हाँ देखिए, किसी ने स्पेशल बुलाया नहीं है। हाँ, मुझे ये स्टोरी सुन के यार मैं ये बात सोच रही थी, पता नहीं कुछ लोगों को किस तरह से मतलब, ठीक है चाहे टीन एज है आपकी, बट कैसे क्रेज होता है कि आप आत्माओं को बुलाओ। मतलब मैं तो कभी भी ये चीज़ जो है ना सोच भी नहीं सकती, जिस तरह से फिर देखो सिचुएशन हुई। अब ऐसी चीज़ों का कभी कोई एंड तो होता नहीं है, बट जो मुझे चीज़ समझ आ रही थी वो यही थी कि शायद उन्होंने कुछ ऐसी पावरफुल चीज़ों को बुला लिया था जो कि उनके मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। भाई आप ये मैं सबसे पहले तो क्योंकि एक तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करने के लिए ना आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि भाई कमज़ोर दिमागों का ये खेल जो है, खेल तो नहीं मैं कहूँगा, ये एक्टिविटीज कमज़ोर दिमाग वाले लोगों के लिए हॉबी है लोगों की। बिल्कुल,
तो अभी जैसे बीच में जो एक वो बताई गई है ना, वो मेरा ख्याल है कि हमने शायद वो जो मूवी है ना तलाश, शायद वो बोर्ड उस मूवी में या किसी मूवी में मैंने ना वो बोर्ड इस्तेमाल, हॉरर मूवीज में होता है बोर्ड भी। और दूसरा ये कि जो इंसिडेंट्स बता रहे थे, तस्वीरों का गिरना और जो जीसस क्राइस्ट की जो पिक्चर उल्टी हो गई गिर जाती है, फिर वो फेस पे आग लग जाना, हाँ फिर ऐसे वो जो यू नो अक्सर हम देखते हैं है ना, हम लोग अक्सर ये बात सोचते हैं कि लाइक जब इंग्लिश मूवीज आप हॉरर देखते हो उसमें मतलब ये चुड़ैले ऐसे क्यों कर दिए, क्योंकि देसी चुड़ैले जो होती ना, मतलब जो हम लोग मैं मजाक नहीं उड़ाना चाहती, मुझे डर लग रहा है, नहीं मेरा मतलब ये कि जैसे हम बॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं ना भाई, वो अपने यहाँ की है ना, अपनी अपनी लगती है ना। अच्छा यहाँ की चुड़ैले भी देसी यार, क्या बात कर रही है, और वहाँ की भी लगती है, मतलब प्लीज ज्यादा मत हंसो, देखो मुझे डर लगता है। सो मतलब कहने का मेरा ये है कि यानी जो हमारे यहाँ के लोकैलिटी की तो नहीं कह सकती, हमारे रीजन की जो चुड़ैले हैं वो मुझे लगता है और तरह की होती हैं मूवीज के अकॉर्डिंग। यार क्या हो गया तुम्हें, हंसी आ रही है, और जो हम इंग्लिश मूवीज में देखते हैं वहां पर उनकी हरकतें कुछ और होती हैं। सो मौजा, मैं मजाक नहीं बना रही भाई, यही मजाक नहीं बना रहा, ये रूम में अलग सोचा है, और मैं तो भैया अब जो चेक नीचे करके सोऊंगा कुछ दिन, और रात को जब वॉशरूम जाना होगा वो मैं भाई दो चार दिन पानी नहीं पीऊंगा यार। हाँ लेकिन वैसे ना डर लगता है, एक दिन ऐसे ही हुआ रात को ना जाते हुए वॉशरूम में, मेरे जहन में ना एकदम से ऐसे ही कोई ड्रावनी बात आ गई और फिर साथ में जी एकदम से ना जोर से दरवाजा, पता नहीं कहाँ से ना दरवाजे के ना बंद होने की आवाज, ठॉक करके दरवाजा में डर गई। हाँ मतलब डर जाता है इस तरह से, लेकिन हमारे घर वाले तो वैसे ठा ठा करके दरवाजा, हमारे घर वाले तो इतनी जोर से दरवाजा मारते ना, मुझे ये नहीं समझ आती क्या मसला, आराम से क्यों नहीं दरवाजा बंद करते। लेकिन हाँ अभी के शहरों में आपको ये कहानियां सुनने को कम मिलती हैं, गांव में देखने को मिलती हैं, ऐसे ऐसे घर आप कह सकते हैं हॉन्टेड होते हैं जो बहुत पुराने हो, बड़ी देर से बंद हुए हो, या पार्टीशन से पहले के घर जो अब तक नहीं खुल पाए, ठीक है उनकी अगर आप बात करें तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि हॉन्टेड है। इवन कि मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं कि भाई शाही किला जो है उसके अंदर से आवाज़ें समटाइम्स जो हैं वो आती हैं, पता नहीं वैसे मौसम रात को ना वहाँ पर लेकर जाते हैं अंदर शाही किला, मैं कहती किसी दिन चले वो एक स्पेसिफिक जगह पर लेकर जाते हैं बैठा के, मैं पागल नहीं हुआ कि मैं आधी रात को जो है शाही किले के अंदर जाऊँ, चिपक चुपक गई तो फिर हम क्या करेंगे। अरे नहीं नहीं मेरा मतलब ये कि वो तो एक पूरा आपको टूर देते ना, बट मैंने एक्चुअली में ये सुना हुआ है कि यहाँ पर वर्ल्ड सिटी में कोई एक घर है जहाँ पर ना आवाजें आती हैं वो पार्टीशन से पहले, ना बाबा मैं तो दूर दूर भी मतलब दूर से दिखा दूंगी उसे, अंदर या पास नहीं मैं जाना, तुम में इतना हौसला होगा तो अंदर जाओ ना। मतलब लिटरली ये बात जो है कि वहां से आवाजें आती हैं, और पता नहीं क्या पार्टीशन से पहले का कुछ इस तरह के बाद में कुछ हुआ था, ये खैर मैं स्टोरी दोबारा से सुनकर आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन ये कि भाई मुझे बहुत डर लगता है जो जितनी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है उनसे, गाँव में अक्सर होती रहती हैं, अपने बड़ों से भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुनी हुई है, बहुत सारे लोग हैं जो कि बिल्कुल भी इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, और पता नहीं वो क्यों नहीं करते, पर ये कि ये होती हैं ज़रूर। और अगर भाई कोई ऐसी है जो भाई हम हंस रहे थे ना भाई किसी ने सुना है तो प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, और हमें बिल्कुल भी ईमेल ना कीजिएगा इस बारे में। यार वैसे सच में मतलब खौफ आ रहा था जैसे जैसे घर में, उसी घर में रहना और जैसे बच्चे का एक बार से दूर के दूसरे बेड पे रहना, बहुत डर लगता है। इवन मैंने एक दो वाकयात ऐसे भी सुने हुए हैं, हमारे मिलने वाले थे तो उनका जो घर था ना वो कब्रिस्तान के काफ़ी नज़दीक था, तो उनको भी उनके घर में बहुत ज़्यादा ऐसे ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है ना वो देखने को मिलती थी, मतलब वो फील करती थी, ऐसा नहीं होता था कि कोई तंग करता था, बट उनको वो कहती थी फील होता था, वो इतनी पढ़ाई करती थी ना कि वो कहती थी कि मेरे पढ़ने की वजह से ना ये होता है कि चीज़ें जो है वो हावी नहीं होती हैं, लेकिन अगर मैं ना पढ़ूँ तो फिर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। सो भाई ये सारी चीजें होती हैं, बाकी मैं तो मूवी देखूंगी इन सबको लेकर साथ में बैठ के, मैं तो नहीं देखने वाला, बट फिर उसके बाद मेरे को डर सबसे ज्यादा ये लगेगा अगर रात को सोना भी होता है भाई वो ना फिर एक दो रात एडजस्ट कर लूंगा, मैं तो बाजी के कमरे में सो जाऊंगा, पता नहीं आपका मुझे नहीं पता, आई डोंट नो मैं क्या करूंगी, उस दिन रात को पैंपर लगा के सोएंगे, वॉशरूम जाना पड़े।
और उसके बाद उस कमरे में कोई एंटर नहीं हो पाएगा। वो एक अलग बात है, लेकिन रात उनकी गुजरेगी ना। अच्छी खासी हॉरर मूवी का क्या मतलब तुम कर रहे हो यार? लेकिन मैं अपने अंदर के डर की बात कर रहा हूँ। वो तो इतने डरपोक हो, कुछ हाँ, इतने ज्यादा ब्रेव होते हैं वो भाई, अलग लेवल होता है उनका, वो एक अलग लेवल पे बैठे थे भाई। अभी इससे ना मुझे याद आ गया, हमारी फैमिली में एक और अंकल थे, उनकी अब डेथ हो चुकी हुई है, तो वो गांव में रहा करते थे, तो वो उस टाइम पे ना वो मतलब तांगा चलाया करते थे, चुड़ैल लगी। हाँ, तो उनके पीछे कहते हैं कि ना ऐसे ना चुड़ैल लग गई थी, और वो उनका बकायदा उन्होंने नाम भी लिया था, लेकिन फिर खैर उनको पता चल गया था, क्योंकि उस स्पेसिफिक रास्ते पर, उसी रूट पर, वो एक स्पेसिफिक लोकेशन थी जहाँ जो बड़ी फेमस है कि यहाँ पर ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है पैराग्राफ यार, गाँव में ना ऐसी चीजें ज्यादा हुआ करती थी। एनीवे गाइस, आपको लगेगा भाई इसके पास काफी सारे इंसिडेंट्स मौजूद हैं बताने के लिए, लेकिन ये कि काफी चीजें सुनी हुई है। बाकी आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर कभी आपने खुद ऐसी चीज एक्सपीरियंस की हो तो, मतलब कभी ऐसा आप कुछ फील किया हो, या मैं ये कहना चाह रही कि जैसे मैंने अभी बताया कि ऐसे लगा करता था जैसे आप खड़े हो तो पीछे से कोई गुजर गया, ऐसा कभी कुछ महसूस हुआ हो किसी भी टाइम पर, हॉस्टल में, किसी जगह पर, घर में, जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर किसी को पता हो ना कि ऐसा क्यों फील होता है तो वो भी हमें जरूर बताएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों फील होता है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि, लेकिन जो है ना आपके शायद सेंसेस वगैरह जो होते हैं उसकी वजह से। मौसम, तुम इतनी अजीब तरीके से बात कर रहे हो ना, मुझे तुमसे ही डर लगना शुरू हो गया। एनीवे गाइस, जैसे हमारी आज की वीडियो इसी के साथ,